हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएसएस में टेबल्स के बारे में। ठीक है, अपने पिछले वीडियो में हमने सीएसएस की लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था और एचटीएमएल की लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज के वीडियो में हम इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके टेबल्स को, अपने हमारे जो एचटीएमएल के टेबल्स होते हैं उनको हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं हम एचटीएमएल के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल टैग का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा टेबल, टेबल टैग स्टार्टिंग और टेबल टैग क्लोज। ठीक है, और इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल हम रोज क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, रोज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टीआर। ठीक है, एक जो टीआर टैग है ये एक रो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, इसमें हम रोज क्रिएट करेंगे। सबसे पहले ऊपर हेडिंग आती है हमारी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेबल हेडिंग। ठीक है, इसको मैं लेट्स से यहाँ पे दो हेडिंग्स में बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखूंगा लेट्स से सबसे पहले मैं लिखूंगा नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा क्लास या फिर रोल नंबर। ठीक है, नेम और रोल नंबर, ये हमारी एक रो हो गई। ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और रो क्रिएट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं टी एच की जगह पे अब टी डी टैग का यूज़ करूँगा। ठीक है, ये टी डी का मतलब होता है टेबल डेटा, टी डी का मतलब होता है टेबल डेटा और टी एच का मतलब होता है टेबल हेडिंग। ठीक है, और टी आर का मतलब होता है टेबल रो। ठीक है, और यहाँ पे मैं नेम की वैल्यू दूंगा, तो यहाँ पे मैं अपना नेम लिख दूंगा। ठीक है, लेट से सचिन, और उस रोल नंबर यहाँ पे लिख दूँ, रोल नंबर के नीचे लिख दूंगा 1। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूँ, सेव करके इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, ठीक है, पेज को यहाँ से रिफ्रेश करूँ, तो ये देखिए नेम के नीचे सचिन आ रहा है और रोल नंबर के नीचे 1 आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी इसकी कोई बॉर्डर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीएसएस के अंदर इसको बॉर्डर देंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं हटा दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेबल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेबल और इसके अंदर मैं बॉर्डर की वैल्यू दूंगा। तो बॉर्डर हम कैसे देते हैं, जैसे हम देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है जी, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और यहाँ से इसको रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर आ चुकी है। ठीक है, लेकिन ये टेबल के बाहर बाहर बॉर्डर आ रही है। ठीक है, टेबल के जो हमारे यहाँ पे रोज और कॉलम के बीच में यहाँ पे कोई बॉर्डर आ नहीं रही। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, हमें हेडिंग, यहाँ पे हेडिंग और टीडी के बीच में भी यहाँ पे चाहिए बॉर्डर, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टेबल यहाँ पे टीएच की वैल्यू लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा टीडी की वैल्यू। ठीक है, टेबल हेडिंग और टेबल डेटा के बीच में भी मुझे यहाँ पे बॉर्डर चाहिए, तो मैं इसको सेव करूंगा, सेव करके यहाँ से रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो बॉर्डर यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है जी, तो ऐसे हम करते हैं टेबल की बॉर्डर क्रिएट। और नेक्स्ट है जो प्रॉपर्टी, वो है हमारे पास विड्थ। तो अगर मैं इसकी विड्थ को भी, टेबल की विड्थ को भी अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूं विड्थ इज इक्वल टू 100%, तो ये क्या करेगा, जो हमारी विड्थ है, जितनी हमारी विंडो की विड्थ है, ठीक है, ब्राउजर की विंडो की जितनी विड्थ है, तो ये उसको पूरी को यहाँ पे कवर कर लेगा अगर मैं इसकी वैल्यू 100% दूंगा। तो मतलब कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी विड्थ को यहाँ पे कवर कर लेगा अगर मैं इसको सेव करूँ। ठीक है, इसको यहाँ से मैं सेव करूँ, सेव करके इसको यहाँ से रीलोड करूँ, तो यहाँ पे जो हमारी, जो हमारा टेबल है, ये पूरी विड्थ को यहाँ पे कवर कर लेगा। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, पता नहीं क्या यहाँ पे आ रहा है, इसको यहाँ से रीलोड करूंगा, तो ये देखिए ये पूरी इसने कवर कर ली। अगर मैं विंडो को पूरा मैक्सिमाइज कर दूं, तो ये देखिए इसने जो पूरी है, पूरी विड्थ यहाँ पे कवर कर ली है। ठीक है जी, तो ये हमारी विड्थ की प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमारी जो ये रो, ये हमारी जो बॉर्डर है, ये डबल डबल आ रही है, ये देखिए यहाँ पे, ये अंदर इसके क्या है, ये बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, डबल डबल यहाँ पे बॉर्डर आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही लाइन हो, बॉर्डर की एक ही लाइन हो, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कोलैप्स की। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कोलैप्स, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा,
अगर मैं यहीं पे इसको अप्लाई करके देखूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे लगती है या नहीं, या फिर अकेले टेबल टैग में ही लगेगी। ठीक है, बॉर्डर बॉर्डर कोलैप्स, और इसकी वैल्यू मैं दे दूंगा कोलैप्स। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूँ, सेव करके इसको यहाँ से तो ये देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर हो चुकी है। ठीक है, पहले डबल लाइन आ रही थी, अब सिंगल ही लाइन यहाँ पे आ रही है। ठीक है जी, तो ये है हमारी प्रॉपर्टी, कौन सी, बॉर्डर कोलैप्स की। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास हाइट की। अगर मैं टेबल की हाइट को भी यहाँ पे एडजस्ट करना चाहूँ, हाइट को भी मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे हाइट कर दूँ, ठीक है, हाइट अगर मैं इसकी कर दूँ 50%, तो जो इसकी हाइट है वो 50% इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करके यहाँ से रिलोड करूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं हाइट को मैं सिर्फ अकेले एक या टेबल पे अप्लाई कर सकता हूँ, या TH पे अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर TD टेबल डेटा पे अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ और यहाँ पे मैं अकेले टेबल पे अप्लाई करके देखते हैं कि हो रही है या फिर नहीं हो रही। ठीक है, अकेले टेबल पे करके देखते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे इसको यहाँ से सेव करके और इस यहाँ पे करूँ, इसको रिफ्रेश करूँ, तो अकेले टेबल पे नहीं हो रही। अगर मैं इसको TH पे कर दूँ, आई थिंक TH पे होना चाहिए। ठीक है, TH पे होना चाहिए, देखते हैं हो रही है या नहीं। तो ये तो TH पे भी नहीं हो रही अप्लाई, डोंट नो वाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं इसको। तो ये क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमें यहाँ पे पिक्सल में वैल्यूज देनी पड़ती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पिक्सल में वैल्यू दूंगा तो ये अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, परसेंटेज की जगह पे अगर मैं पिक्सल में वैल्यू दूँ तो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो ये देखिए जो टेबल हेडिंग की जो हाइट है वो इंक्रीज हो चुकी है। अगर मैं इसको टेबल टेबल यहाँ पे टेबल पे अप्लाई करूँ तो हमारे टेबल की भी हाइट आई थिंक हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूँ, लेट्स से 100 कर दूँ, तो देखते हैं टेबल पे अप्लाई होता है या नहीं। हाँ, तो ये देखिए टेबल की जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है। तो हाइट की वैल्यू हमें यहाँ पे पिक्सल्स में देनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे हम TD की भी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, या फिर TH की, या फिर पूरे टेबल की भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हाइट एट्रीब्यूट, हाइट प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, सपोज आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे जो TH की वैल्यू है वो सेंटर में अलाइन है। ठीक है, लेकिन जो TD की वैल्यू है वो यहाँ पे लेफ्ट अलाइन है। तो अगर मैं इसकी इसकी वैल्यू को भी, ठीक है, जो हमारी TD की वैल्यू है इसको भी सेंटर करना चाहता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर कर दूँ टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन अगर मैं यहाँ पे सेंटर कर दूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूं, और अगर मैं इसको अभी रीलोड करूं तो ये देखिए जो TD की वैल्यू है वो भी यहाँ पे सेंटर में आ चुकी है। ठीक है, इसकी हमारे पास और कौन सी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, एक टेक्स्ट लाइन सेंटर होती है जो बाय डिफॉल्ट होती है, वो तो लेफ्ट ही होती है। अगर मैं इसको राइट कर दूं तो जो ये हमारा टेक्स्ट है ये राइट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये राइट की तरफ आ चुका है। अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूं तो ये लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट की तरफ यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए ये लेफ्ट में आ चुका है। अब TH भी हमारा लेफ्ट में आ चुका है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू भी नहीं देता, ठीक है, तो TH हमारा क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो TH होता है वो सेंटर में होता है और जो TD होता है वो लेफ्ट की तरफ होता है। ठीक है जी, उसके बाद है हमारी जो प्रॉपर्टी वो है वर्टिकल अलाइन। ठीक है, वर्टिकल अलाइन का मतलब कि जो हमारा ये टेक्स्ट है ये बॉटम यहाँ पे इस कॉर्नर पे होगा, ठीक है, इस वाले कॉर्नर पे होगा जहाँ पे मेरा कर्सर है, या फिर आप इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको कर दूँ वर्टिकल अलाइन, ठीक है, वर्टिकल अलाइन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ वर्टिकल अलाइन को, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ बॉटम, ठीक है, अगर मैं बॉटम लिख दूँ इसको, ठीक है, और यहाँ पे इसको सेव करके इसको करूँ, तो ये हो नहीं रहा, आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं हो रहा ये, इसको देखना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर मैं स्पेसिफिक में डालूँ, इसको स्पेसिफिक में डाल के देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे TD कर दूँ, ठीक है, टेबल की बजाय अगर मैं यहाँ पे TD कर दूँ, तो TD की वैल्यू देखते हैं कि यहाँ पे होती है या फिर नहीं होती। हाँ, तो ये देखिए जो TD की वैल्यू है, ये इसको मैं अगर इसकी वैल्यू अगर मैं ना दूँ, हाइट की वैल्यू अगर मैं ना दूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपको डिफरेंस में लगेगा नहीं, पता नहीं लगेगा। ठीक है, अगर मैं इसको
इसकी वैल्यू को थोड़ा कम कर दूं, अगर मैं इसको लेट से 30 कर दूं, ठीक है, इसको अभी सेव करके इसको रीलोड करूं, तो ये देखिए अभी अभी भी नहीं, थोड़ा ज़्यादा इसको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, लेट से 70 कर दूं, तो अब आपको पता चलेगा। तो ये देखिए ये बॉटम में आ रहा है, ठीक है, मतलब कि ना सेंटर में है वर्टिकल लाइन, ना सेंटर में है ना ऊपर है, और ये बिल्कुल बॉटम में है, ठीक है। अगर मैं इसको इसकी वैल्यू को थोड़ा चेंज कर दूं, इसको सेंटर करके देखते हैं कि यहाँ पे सेंटर वैल्यू है या नहीं है, ठीक है, वर्टिकल अलाइन करके देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज और होती हैं, ठीक है, वर्टिकल अलाइन की, वर्टिकल अलाइन, तो ये ऑटो है, बॉटम है, मिडल है, ये देखिए ये सारी वैल्यूज हैं इसमें। अगर मैं यहाँ पे मिडल कर दूं, ठीक है, वर्टिकल अगर मैं मिडल कर दूं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल मिडल में आ जाएगा, ये देखिए ये मिडल में आ चुका है, ठीक है जी। तो ये है हमारी पास टेक्स्ट वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी की, आप वर्टिकली अपने टेक्स्ट को अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास पैडिंग की, ठीक है। पैडिंग का मतलब आपको पता ही है कि पैडिंग का मतलब क्या होता है, जो टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में जो ये वाला स्पेस है जहाँ पे मेरा कर्सर है, जो ये टेक्स्ट है सचिन, ठीक है, और ये जो बॉर्डर है टेबल का, इसके बीच में जो भी टेक्स्ट है, जो भी स्पेस है, उसको हम पैडिंग बोलते हैं। तो अगर मैं इसको इंक्रीज करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे 50 पिक्सल कर दूँ, ठीक है, तो हमारी जो पैडिंग है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे 50 पिक्सल, ये इसके बीच में 50 पिक्सल का यहाँ पे स्पेस आ चुका है, ठीक है जी। तो ये है हमारी पैडिंग की प्रॉपर्टी। और अगर हम इंडिविजुअल भी देना चाहते हैं बॉर्डर, तो हम वो भी दे सकते हैं। लेट से अगर मैं टी एच और टी डी को, लेट से अगर मैं यहाँ पे करूँ टी एच और टी डी, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ से मैं हटा दूंगा। अगर मैं सिर्फ बॉर्डर बॉटम का बॉर्डर देना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉर्डर बॉटम, ठीक है, बॉर्डर बॉटम, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो हमारा सिर्फ यहाँ पे बॉर्डर बॉटम का बॉर्डर होगा, ठीक है। तो ये आ नहीं रहा, हाँ यहाँ पे मैंने बॉर्डर यहाँ पे दे रखा है, तो इसलिए ये सारा बॉर्डर ही उठा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, इसको यहाँ से हटा दूँ, तो आई थिंक ये काम करेगा। हाँ, तो ये देखिए अभी सिर्फ बॉटम का बॉर्डर आ रहा है, ठीक है, टी एच का भी सिर्फ बॉटम का बॉर्डर आ रहा है, और जो हमारा टी डी है उसका भी सिर्फ बॉटम का ही बॉर्डर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे यहाँ पास यहाँ पे होवर की प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं यहाँ पे टी डी और टी एच और टी डी में होवर की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ होवर, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे ऊपर ऊपर दे देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ लेट से कलर वाइट, ठीक है जी, कलर यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ वाइट, ठीक है, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दूँ ब्लैक, ठीक है जी, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं दे दूँ ब्लैक, तो देखोगे क्या होगा। अगर मैं टी एच और टी डी पे ऐसे कर्सर लेके जाता हूँ, ठीक है, इसको मैं रीलोड करूँ, तो ये देखिए, तो आई थिंक टी डी टी एच पे यहाँ पे भी मुझे होवर लिखना पड़ेगा आई थिंक, या फिर इनको अलग अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूँ, यहाँ से कट कर दूँ और उसको नीचे लगा दूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे नीचे लगा दूँ और इस पर भी होवर की प्रॉपर्टी लगा दूँ, ठीक है, इस पर भी मैं अगर होवर की प्रॉपर्टी लगा दूँ, और यहाँ पे इन्हीं को, इसको मैं चेप दूंगा इसको मैं, ठीक है, पंजाबी जिन्होंने कहते चेप देता, इसको मैं यहाँ पे चेप दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा, अगर मैं इसको करूँ रीलोड, तो यहाँ पे ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे माउस लेके जा रहा हूँ, ठीक है, माउस लेके जा रहा हूँ, तो जहाँ पे माउस लेके जा रहा हूँ उसका जो कलर है वो वाइट हो रहा है, और बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो रहा है। अगर मैं नीचे लेकर आऊँगा तो इसका भी हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये है हमारी होवर की प्रॉपर्टी। इसमें आप अगर अपनी रोज को, ठीक है, अगर आप लेट से इवन रोज को या फिर ऑड रोज को डिफरेंट डिफरेंट कलर देना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो, तो आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैं होवर को यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोज को जो है वो रोज को डिफरेंट डिफरेंट कलर देंगे, जो हमारी रो है, ठीक है। तो लेट से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इवन रोज का, जो इवन नंबर ऑफ रोज है उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा टी आर और यहाँ पे लिखूंगा एंथ चाइल्ड, तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एंथ चाइल्ड, और इसमें पास कर दूंगा इवन रोज, ठीक है, मतलब कि जो इवन नंबर ऑफ रोज है उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे चेंज हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा
बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और यहाँ पे मैं कलर दूंगा, लेट्स से ग्रे सा कलर देते हैं, ठीक है। ऐसे ये हमारा जो है वो थोड़ा ग्रे कलर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से करूँ सेव करूँ, ठीक है, सेव करके इसको यहाँ से करूँ, तो ये देखिए ये थोड़ा ग्रे सा कलर इसका आ चुका है, ठीक है। इसका थोड़ा ग्रे कलर आ चुका है। और अगर मैं और रोज़ यहाँ पे क्रिएट करूँ, ठीक है, तो सिर्फ जो इवन नंबर ऑफ रोज़ हैं उनका ही यहाँ पे कलर चेंज होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ही यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करके इसको नीचे दो तीन बार यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है, चार पांच बार कर दिया मैंने। इसको मैं सेव करूंगा, इसको मैं यहाँ से रिलोड करूंगा, तो ये देखिए जो इवन नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है, सिर्फ उनका ही यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है जो वो यहाँ पे आ रहा है ग्रे, ठीक है। अगर मैं ऑड नंबर ऑफ रोज का करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको मैं कॉपी करूंगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑड, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑड और यहाँ पे कलर को ही ऑड दे दूंगा, ठीक है। लेट्स से अगर मैं कलर देना चाहूँ कोई और, ठीक है, ऐसे ही दे देते हैं कुछ भी, ठीक है, ऐसे कलर देना चाहूँ, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा, सेव करके इसको ऐसे करूँगा, तो ये देखिए जो ऑड नंबर ऑफ रोज़ हैं उनका जो कलर है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है जी। अगर मैं अकेली हेडिंग का टेबल हेडिंग का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। टेबल हेडिंग का उसका भी मैं यहाँ पे कलर दे सकता हूँ, ठीक है। कुछ भी कलर आप दे सकते हो अपनी मर्जी से, कुछ भी। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे ब्लू कर दूँ, ठीक है, तो ये ब्लू हो जाएगी जो हमारी टेबल हेडिंग होगी, ये देखिए ये ब्लू हो चुकी है, ठीक है जी। तो ऐसे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने टेबल को कस्टमाइज कर सकते हो, उसका जो है वो डिज़ाइन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये है हमारी टेबल्स की प्रॉपर्टीज इन CSS। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।